सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूँ राकेश कुमार दोनेरिया जी को, जो केवल धाम लोनावाला संस्था से जुड़े हुए हैं। प्रारंभ से ही मन को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए, यह मानव की चिंता रही है और इस पर हमारे ऋषि मुनियों ने, योगियों ने काफ़ी चिंतन किया और उसके बाद किस तरीके से हम अपने मन को नियंत्रित करें, ये एक विधा हमारे सामने आई। पतंजलि ने योग के 8 अंग बतलाए, जिसमें ध्यान का स्थान 7वां है और उसके पहले यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान और उसके बाद समाधि है। वास्तव में ध्यान के लिए हम ध्यान की तैयारी कैसे करें, तो हमारा आचरण यम नियम से भरपूर हो और उसके बाद हम आसनों का अभ्यास केवल इसलिए करते हैं कि शरीर में अगर किसी प्रकार का कोई विकार हो तो वो विकार दूर हो, शरीर स्वस्थ हो। क्योंकि जब तक शरीर स्वस्थ नहीं होगा और शरीर और हम किसी साधना के लिए स्थिर बिना किसी हलचल के सुखपूर्वक नहीं बैठ पाएंगे, तब तक ध्यान या समाधि का अभ्यास नहीं हो सकता। उसके बाद प्राणायाम है, आसनों से हम शरीर को अपना स्थिर करते हैं और प्राणायाम हमारे मन को स्थिर करती है। जब हमारा शरीर स्थिर हो गया और मन स्थिर हो गया, तब उसके बाद फिर प्रत्याहार, इंद्रियों का संयम है और धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास प्रारंभ होता है। वास्तव में अगर हम देखें तो ध्यान का अभ्यास जो है वो प्रारंभ होता है धारणा से। हम जो भी तैयारी करते हैं वो धारणा की करते हैं। जैसे जैसे धारणा हमारी दृढ़ होती जाती है, हम ध्यान की ओर प्रवृत्त होते जाते हैं। एक स्थिति स्वतः से मन की, हमारे मस्तिष्क की तैयार होती है। धारणा में जब हम किसी टारगेट को लेकर के ध्यान करते हैं या धारणा पर हम अभ्यास करते हैं, तो उसमें हमारा ध्यान जो है वो टूटता है। हमारी धारणा, हम अपने मन को अपने किसी जो भी हमने फिक्स किया है उस पर हम अपने मन को स्थिर करते हैं। ये स्थिरता कुछ समय तक रहती है, फिर टूटती है, फिर हम उस पर अपने मन को फिर से ले जाते हैं और ये बार बार जो है उसका टूटना और उस पर फिर मन को ले जाना, ये धारणा का अभ्यास है। जैसे जैसे धारणा दृढ़ होती है, यही जो है वो हमारी ध्यान में परिवर्तित होती है। तो हम ध्यान का अभ्यास प्रारंभ करते हैं धारणा से, फिर ध्यान हमारा घटित होता है और ये समाप्त होता है समाधि में। ध्यान के लिए कोई भी विषय हो सकते हैं। हम कई बार ध्यान के लिए हम शरीर के अंदर कोई अपने चक्रों पर ध्यान केंद्रित करते हैं या हम प्रकृति के किसी खास बिंदु पर ले जाते हैं ध्यान को, जैसे चंद्रमा पर हो गया, तारों पर हो गया, आकाश में हो गया, किसी फूल पर हो गया। ये हमारी पूरी तरीके से हम स्वतंत्र होते हैं कि ध्यान किस पर हम लगाना चाहते हैं। कई बार हम इष्ट देव के ऊपर भी ध्यान को हम अपने लगाते हैं। जब ये ध्यान हमारा दृढ़ होता है, अब उसको करने के तरीके देखिए कई सारे हैं, अलग अलग इसकी विधाएं बताई गई हैं, लेकिन ध्यान को थोड़ा सा सरल करने के लिए कुछ एक चीज़ें हैं जिनका हम अभी आपको थोड़ा सा अभ्यास
एक बार डेमोंस्ट्रेशन भी देंगे और फिर अभ्यास भी आपको करवाएंगे। उससे आपको ये थोड़ा सा एक ज्ञान होगा कि किस तरीके से ध्यान की ओर प्रवृत्त हुआ जाए। यहाँ हम आपको श्वास पर अपना ध्यान हम कैसे केंद्रित करें वो आपको बतलाएंगे। तो सबसे पहले देखिए कुछ एक विधाएं हैं, जैसे नासाग्र दृष्टि है। तो योग के ग्रंथों में बताया गया है कि नासाग्र दृष्टि करने से मन हमारा जो है वो केंद्रित होता है, एक बिंदु पर केंद्रित होता है। इसी तरीके से अगर मन हमारा बहुत चंचल हो तो चंचल अवस्था में या अस्थिर अवस्था में हम ध्यान नहीं कर सकते। उस अवस्था में मन को किस तरीके से हम स्थिर करें, शांत करें, उसके लिए ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास है। तो ये दो चीज़ें हम आपको अभी पहले आपको डेमोंस्ट्रेट करते हैं, फिर एक बार आपसे करवाएंगे और फिर हम लोग ध्यान की ओर ध्यान का अभ्यास करेंगे। नासाग्र दृष्टि के लिए क्या करते हैं कि बिल्कुल सीधे बैठते हैं, सीधे बैठ करके, और हम आपको डेमोंस्ट्रेट करने के लिए तो सिर को थोड़ा सा ये इस तरीके से करेंगे जिससे आप थोड़ा सा देख पाएँ, लेकिन सिर को बिल्कुल सीधा रखा जाता है। और उसके बाद ये जो नाक का अगला भाग है इसको नासाग्र बोलते हैं, इस पर हम अपनी दृष्टि को जो है वो फिक्स करते हैं, वो इस प्रकार से। इसमें हमारा प्रयास ये होता है कि हमारी पलकें नहीं झपकें और एक टक हम जो है अपनी दृष्टि जो है यहाँ पर फिक्स करते हैं। ये अभ्यास हुआ नासाग्र दृष्टि का। तो सबसे पहले चलिए नासाग्र दृष्टि कर लेते हैं, उसके बाद में फिर ब्रह्म मुद्रा का अभ्यास करेंगे। तो बिल्कुल सीधे बैठें सभी लोग, चश्मा निकाल लें, अपनी नाक के अगले भाग को देखना है, सिर बिल्कुल भी झुके नहीं इस बात का ध्यान रहे, श्वास प्रश्वास बिल्कुल सामान्य हो और मन बिल्कुल शांत हो। अभ्यास जब पूरा हो जाए तो अपनी आँख बंद कर लें और केवल एक दो मिनट के लिए आप शांत मन से बैठें, शांत चित्त से। ब्रह्म मुद्रा का भी जरा सा अभ्यास देख लें। देखिए ब्रह्म मुद्रा में हम क्या करते हैं कि हम अपने सिर को धीरे धीरे घुमाते हैं और सिर को घुमाते हुए दाहिने कंधे की ओर ये ले जाते हैं, और जब हम सिर को घुमाते हैं उस समय हमारी आंखें बंद होती हैं। तो बंद आंखें बंद करके हम अपने सिर को ये दाहिनी ओर ले जाएंगे और यहाँ पर जब हम पूरा पहुँच गए तब उसके बाद हम अपनी आंखें खोलते हैं और पूरा पीछे की ओर देखते हैं, ये इस प्रकार से बिल्कुल पीछे देखेंगे और उतनी देर तक देखते हैं पीछे जितनी देर तक हमें आनंद आता है, अच्छा लगता है। बिल्कुल भी स्ट्रेस ना हो, किसी भी प्रकार का स्ट्रेन ना हो और
जब ये आपको हल्का सा भी स्ट्रेस या स्ट्रेन लगे तो तुरंत ही आँखें बंद करके फिर हम धीरे धीरे अपने सिर को घुमाते हैं। सिर को घुमाते हुए फिर हम ले जाते हैं बाएं कंधे की ओर। बाएं कंधे पर जब हम पूरा पहुंच गए तो फिर अपनी आँखों को खोलते हैं और फिर पीछे की ओर देखते हैं, और उसी प्रकार से उतनी देर तक हमें देखना है जितनी देर तक हमें आनंद आ रहा है और किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रेस स्ट्रेन नहीं है। फिर धीरे धीरे वापस आते हैं और जब सामान्य उसमें आ गए तब अपने सिर को ये ऊपर की ओर ले जाते हैं, और जब ये पूरा सिर ऐसे ये पूरा पहुंच गए तब हमारी आँखें खुलती हैं और नाक की टिप को हम देखते हैं, नासाग्र दृष्टि। इसको भी उतनी ही देर तक करना है जितनी देर आपको आनंद आता है, और फिर हम धीरे धीरे अपने सिर को लाते हैं नीचे की ओर और ये ठोड़ी जो है यहाँ लगाने का ये हल्का सा ये प्रयत्न करते हैं ये, और जब ठुड्डी यहाँ लग जाती है फिर हम अपनी आँखें खोलते हैं और यहाँ पर देखते हैं दोनों भवों के बीच में, जिसको भ्रूमध्य दृष्टि बोला जाता है, तो हमारी दृष्टि भ्रूमध्य होगी। ये पूरा एक चक्र है और इसको ये ब्रह्म मुद्रा कहलाती है। ये एक्चुअली देखिए आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये ध्यान ये आपका लगा देगी, लेकिन मन को जो है वो बहुत शांत करती है ये क्रिया। और जब हमारा मन बिल्कुल शांत हो जाता है, क्योंकि ये देखिए अनेक प्रयोगों से ये पाया गया है कि हमारे मन में मन से अनेक प्रकार की तरंगें प्रवाहित होती हैं, जिनमें मुख्य रूप से बीटा और अल्फा हैं। तो जब बीटा तरंगें हमारे मन से प्रवाहित हमारे मस्तिष्क से प्रवाहित होती हैं उस समय ध्यान की ध्यान लगाया ही नहीं जा सकता और वो अवस्था ध्यान के अनुकूल नहीं है। उसे अनुकूल बनाने के लिए या प्रारंभ में तैयारी करने के लिए ये कुछ एक क्रियाएं हैं जो कि की जाती हैं। उससे ये जो बीटा तरंगे हैं उनकी संख्या कम होती है और अल्फा तरंगे जो है उनका स्थान लेती हैं। तो एक केवल इतना सा हम आपको एक मूमेंट करके बता रहे हैं कि आपको कितने धीमे सिर को ले जाना है। ये इस तरीके से आप ले जाएंगे। आंखें बंद की अवस्था में सर को मूव करना है, खुली अवस्था में दाएं बाएं ऊपर और नीचे आपको देखना है, भ्रूमध्य दृष्टि और नासाग्र दृष्टि। तो अब सभी लोग बिल्कुल सीधे बैठें। आंखें बंद होंगी, मन बिल्कुल शांत होगा और धीरे धीरे हम अपने सिर को जो है वो दाहिने कंधे की ओर घुमाएंगे। एक समान गति से सिर को घुमाइएगा, किसी भी प्रकार का कोई झटका नहीं। सिर को घुमाते हुए दाहिने कंधे की ओर ले जाएं। पीछे की ओर देखें, उतनी देर तक देखना है जितनी देर हमें आनंद आता है, और फिर धीरे धीरे अपने सिर को वापस ले आइए सामान्य स्थिति में, और सामान्य स्थिति से फिर हमें बाएं कंधे की ओर सिर को घुमाना है। धीरे धीरे बाईं ओर सिर को घुमाइए, सिर को घुमाते हुए पीछे की ओर देखना है,
उतनी देर तक देखें जितनी देर हमें आनंद आ रहा है। और फिर धीरे धीरे फिर से अपने सिर को घुमाते हुए धीरे धीरे वापस सामान्य स्थिति में, और अब अपने सिर को पीछे की ओर दोनों कंधों के बीच में लुढ़का देंगे। दृष्टि नासाग्र, अपनी नाक की टिप को देखना है। धीरे धीरे अपने सिर को नीचे की ओर लाएं। जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत हो या हार्ट प्रॉब्लम हो, वो अपना सिर नीचे ना लाएं। बाकी सभी लोग अपना सिर नीचे ला सकते हैं, और दोनों भवों के बीच में भ्रूमध्य दृष्टि दोनों भवों के बीच में देखना है उतनी देर तक जितनी देर हमें आनंद आता है। धीरे धीरे सिर को अपनी सामान्य स्थिति में लें। आंखें बंद रहेंगी, मन बिल्कुल शांत, ध्यान अपना श्वास प्रश्वास पर, पूरा ध्यान अपना श्वास पर। श्वास में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना करें। जैसी श्वास चल रही है वैसी चलने दें। केवल प्राण वायु के स्पर्श को अपनी नाक के अगले भाग पर महसूस कीजिए। अपनी श्वास पर केंद्रित अपने मन को केंद्रित करें। पूरा ध्यान अपने श्वास पर। मन बिल्कुल शांत, ध्यान अपना श्वास पर, श्वास के लेने और उसके छोड़ने पर। ये करते हुए पूरा शरीर हमारा स्थिर हो, ध्यान के समय हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि किसी भी प्रकार का कोई शारीरिक हलचल ना हो। अपनी श्वास को हल्का सा गहरा करें, थोड़ी सी गहरी श्वास भरें। और धीरे धीरे गहरी श्वास छोड़ दें। बहुत श्वास को बहुत हल्का सा गहरा करना है।
मन बिल्कुल शांत और ध्यान अपना श्वास पर। मन बिल्कुल शांत अपनी पलकों को भी देख लें। पलकें आपकी बहुत ही मुलायम तरीके से बिल्कुल बंद हों, पलकों पर किसी भी प्रकार का कोई तनाव नहीं, बहुत ही धीरे धीरे अपनी आँखों को खुलने दें, बहुत ही धीरे हमें अपनी आँखों को खोलना भी नहीं है बल्कि खुल जाने दें। आँखों को खुलने दीजिए और उसके लिए पूरा समय लें आँखें खोलने के लिए। धीरे धीरे आँखें खोलें, आँखें खुली हुई, मन शांत, ध्यान अपने श्वास पर, ध्यान श्वास पर रखें, आंखें खुली हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर चेतन अग्रवाल जी से निवेदन है कि वह अपना व्याख्यान डेमोंस्ट्रेशन प्रारंभ करें। नमः शिवाय। ध्यान के विज्ञान के आदि गुरु भगवान शिव के स्मरण से हम इस संध्या की बातचीत शुरू करते हैं। व्याख्यान देना, प्रवचन देना आदि सबकी हमारी योग्यता नहीं है, हम तो अपने दिल की बात आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत सुंदर भूमिका बन चुकी है। आओ, जो ध्यान की यात्रा शुरू ही भगवान शिव से और विभिन्न गुरुओं के माध्यम से होती हुई हम तक पहुंची है, उनमें से एक गुरु भगवान बुद्ध की कथा के साथ बात करते हैं। भगवान बुद्ध जेतवन में विहार करते थे, अपने संघ के साथ 5,000 भिक्षुओं के संघ के साथ जेतवन में भगवान बुद्ध का विहार चल रहा था, जहां सघन ध्यान के प्रयोग, प्रज्ञा की चर्चा, समाधि की अनुभूति सहज ही आसपास के वातावरण में फैली हुई थी। एक सुबह की घटना है जब भगवान बैठे हैं, तथागत बैठे हैं, ध्यान और समाधि की चर्चा चल रही है और एक आसपास के आभा मंडल में एक आनंद की, मौज की, मस्ती की गूंज है। जब भी ध्यान जीवित होता है, जागृत होता है, तो अपने साथ आनंद, प्रेम की खुशबू को फैला देता है। यही सहज सी पहचान है। बहुत सीरियस, बहुत कैलकुलेटेड जो ध्यान होता है कहीं ना कहीं हमको अपने केंद्र से दूर लेकर जाता है। तो दोस्तों, अपने हृदय में उकेरे उस चित्र को। भगवान बैठे हैं, 5,000 भिक्षुओं का संघ उनके सत्संग में आनंदित है, डोल रहा है, प्रवचन चल रहा है, जहाँ चर्चा चल रही है, प्रज्ञा की खुशबू फैली हुई है और बात चलते चलते अचानक अनायास ही भगवान ठहर जाते हैं, रुक जाते हैं, शांत हो जाते हैं और सभी सुनने वाले भी अनायास अवाक रुक जाते हैं, क्योंकि एक तेज खुशबू केवड़े के फूलों की आसपास के आभा मंडल में फैल जाती है। केवड़े के ताजे फूलों की खुशबू सारे आभा मंडल में फैली हुई है और सब ठहर गए हैं,
चकित है, विस्मय से भरे हैं कि ये केवड़े की खुशबू कहाँ से आई है। भगवान भी पल भर के लिए ठहरते हैं, अपनी आंखें बंद करते हैं और मुस्कुरा कर आँखें खोलते हैं। भिक्षु पूछते हैं, भंते ये क्या हुआ, इतनी स्पष्ट रूप से केवड़े की ये खुशबू कहाँ से आई? और तथागत कहते हैं कि मेरी एक शिष्या जो विवाहोपरांत यहाँ से दूर चली गई है, जयश्री, उसको उसके ससुराल में किसी ने कहा है, किसी ने चैलेंज किया है और ध्यान के बारे में कुछ प्रश्न किए हैं, कुछ क्वेरीज ऐसी की है या ऐसे कमेंट्स किए हैं कि ध्यान होता है कि नहीं होता, और उसको प्रूव करने के लिए कहा है। वो छोटी सी बच्ची, उसने कहा कि मेरी तो वो हैसियत नहीं है, मैं अपने गुरु को निमंत्रित करती हूँ। जहाँ वो थी वहाँ से 10 कोस की दूरी पर जेतवन है, जहाँ बुद्ध का विहार चल रहा है। क्या करती है जयश्री? अपने हृदय में आकर हाथों में केवड़े के कुछ पुष्प लेकर जेतवन की ओर अपना मुख करके उन फूलों को समर्पित करती है केवड़े के, और निमंत्रण देती है अपने हृदय से कि तथागत आपको निमंत्रण है, कल यहाँ आए और हम सबको ध्यान की दीक्षा दे, ध्यान की अनुभूति दे, समाधि का एहसास कराए। जयश्री के हृदय से निकले वे उद्गार और वो केवड़े के फूलों की खुशबू 10 कोस की दूरी भूल जाते हैं। वह खुशबू जेतवन में उपस्थित सभी संतों का, सभी संघ के भिक्षु उसको एहसास करते हैं, महसूस करते हैं, और बुद्ध कहते हैं कि आओ मित्रों, 10 कोस की यात्रा है, हम सबको चलना है, ध्यान की बात करने पुकारा गया है। और वो चलकर अगले दिन उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां पर जयश्री का निवास है। धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि के मंत्र गूंजते हैं और ध्यान की उस आभा में, उस लोक में, वह शहर, वह गांव विभूषित होता है, आनंदित होता है, एहसास करता है। केवड़े के फूलों की ये खुशबू अगर 10 कोस की दूरी तय कर सकती है तो 2500 वर्षों की समय की दूरी भी सहजता से तय कर सकेगी। आप सबको आह्वान करता हूं कि ये 2500 वर्षों की, जब बुद्ध विदा हुए वहां से अभी तक की ये दूरी मिट जाने दे, पहुंच जाए उस विहार में जहां बुद्ध का सत्संग हो रहा हो, और महसूस करे उस आभा को अपने आसपास। अभी अभी हमने ध्यान की एक सघन अवस्था में प्रवेश किया है, उसी से और गहरी यात्रा पर चलते हैं। सहज ही अपनी आंखें बंद हो जाने दे, पूरे शरीर को विश्राम की अवस्था में आ जाने दीजिए। अपना ध्यान अपनी श्वास पर केंद्रित करें, भीतर आती बाहर जाती श्वास पर। भीतर आती श्वास, बाहर जाती श्वास, सहज ही एहसास करें। श्वास भीतर आती है तो भीतर आने दे, लेते ही चले जाए, बाहर जाने की कोई जल्दी नहीं। श्वास बाहर जाती है तो बाहर ही जाने दे, भीतर लेने की कोई जल्दी नहीं।
बंद आंखों से अपने भीतर के अंतराकाश को महसूस करें। पूरा शरीर शिथिल हो रहा है, शरीर के प्रति होश से भरे, अपने भीतर के इस अंतराकाश को महसूस करें। होश पूर्वक देखें कौन महसूस कर रहा है। उस निराकार अनंत असीम होने में स्वयं को खो जाने दे। अपने इस होने की भावदशा का एहसास करें। अपने आप को महसूस करते हुए, इस चैतन्य की अवस्था का एहसास करते हुए, आहिस्ता से अपनी आंखें खोले। ओके, वेलकम बैक। श्रद्धेय कुलगुरु डॉक्टर शशिप्रभा कुमार मैडम, आपको नमन है। श्री दोनेलिया जी, जो कि एक मशहूर योग के एक्सपर्ट और टीचर है यहाँ के, उनको नमन है, और आप सब वरिष्ठ जनों को नमन है। ध्यान की वैज्ञानिकता पर हम लोग बात करने को है। अब हमारा जो ये शरीर है, हमारा जो होना है, ये कहीं तलों पर देखा गया है। भारतीय योग ने हमारे शरीर के होने के कई तल देखे हैं, एनालाइज किए हैं, और जब ये कुछ वर्षों पूर्व तक इसको कहते थे वैज्ञानिक लोग कि ये इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, ये कपोल कल्पनाएं हैं, लेकिन हाल ही में जो
विज्ञान की खोजें हुई है उन्होंने इनमें से ज़्यादातर लोगों ज़्यादातर चीज़ों को प्रूव किया है। आज जिस विज्ञान की हम बात कर रहे हैं वो हमारा सप्त चक्र विज्ञान है। हमारा शरीर अलग अलग तलों पर है। स्थूल शरीर सबसे पहला जो होना है, हमारा जन्म जो हुआ है या इस कायनात का जो निर्माण हुआ है वो पांच मूलभूत तत्वों से हुआ है। सभी को इस बारे में जानकारी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन पांच तत्वों से हमारा या इस पूरी कायनात का निर्माण हुआ है। तो इन पांच तत्वों की एग्जिस्टेंस हमारे शरीर में अलग अलग चक्रों के साथ है। चक्र क्या है? ये जैसे एक टीवी का एग्जाम्पल यदि हम ले तो एक टेलीविज़न है, टेलीविज़न का एंटीना है। एंटीना अगर मिसअलाइन हो जाए तो टीवी का पिक्चर डिस्टर्ब हो जाता है। तो करना क्या है, उस एंटीना को अलाइन करना है और उसके साथ ही सिग्नल का रिसेप्शन इम्प्रूव हो जाएगा और पिक्चर की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी, टीवी का पिक्चर अच्छा दिखेगा। ऐसे ही ठीक इसी तरह से हमारे शरीर में सात अलग अलग एंटीना लगे हुए हैं जिनको योग की भाषा में चक्र कहा गया है। ये जो सात चक्र है इनके स्थान हैं, इनके अर्थ है, इनका संबंध है तत्वों के साथ। और जब ऊर्जा जो हमारी वाइटल फोर्स एनर्जी जो है, हमारी शक्ति जो है, वो ऊर्ध्वगामी होकर सर्वोच्च चक्र पर पहुंचती है तो हम गहरे ध्यान के या समाधि के एहसास को अनुभव कर पाते हैं। ये सात चक्र जो है फिजिकल बॉडी में नहीं है, सूक्ष्म शरीर में है ऐसा कहा जाता है, लेकिन फिजिकल बॉडी में उस स्थान पर जहां इन चक्रों का होना है वहां पर करस्पॉन्डिंग ग्लैंड्स है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स, अंतस्त्रावी ग्रंथियां है। जैसे सहस्त्रार चक्र है, सहस्त्रार चक्र के साथ पीनियल ग्लैंड्स है। और ये जो एनर्जी का पूरा मैकेनिज्म है ये कैसे कार्य करता है, कॉस्मिक एनर्जी जो पूरे अस्तित्व में पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है ये वहां से प्रवेश करती है इन चक्रों से और चक्रों के माध्यम से उस पर्टिकुलर ग्लैंड को वो ऊर्जा दे देती है। तो पीनियल ग्लैंड को एनर्जी मिलती है और उस चक्र से संबंधित जो ऑर्गन्स है फिजिकल बॉडी में उनको वो एनर्जी, वो शक्ति काम करने के लिए मिलती है। इस तरह से इन सातों चक्रों में ऊर्जा प्रवाहित होती है। तो पीनियल ग्लैंड सहस्रार चक्र के साथ है, आज्ञा चक्र है, पिट्यूटरी ग्लैंड्स, फिर विशुद्ध चक्र है, थ्रोट चक्र, अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, उसके बाद फिर मणिपुर चक्र कहलाता है जो कि सोलर प्लेक्सस है, स्वाधिष्ठान चक्र, उसके बाद सबसे नीचे मूलाधार चक्र या रूट चक्र है। तो ये सात चक्र ऊर्जा को ग्रहण करके हमारे शरीर में पंप इन कर देते हैं और वह ऊर्जा हमको अपने किसी भी कार्य को करने के लिए काम में ली जाती है। अलग अलग तत्वों का संबंध है, मूलाधार चक्र का पृथ्वी से, ऐसे पांच तत्वों का। तो हम जो बात कर रहे हैं तत्व बोधिनी के अंतर्गत, पांच के बाद जो छठा तत्व है जो छठे चक्र से संबंधित है, आज्ञा चक्र से, आज्ञा चक्र का जो तत्व है वह है चैतन्य, वह है होश। तो जब हम होश के चैतन्य की उस अवस्था में आते हैं, इस चक्र पर ऊर्जा को जागृत करते हैं, ऊर्जा को पहुंचाते हैं, तो सहज ही हमारा ध्यान में प्रवेश होता है। तो हम लोग एक ध्यान की विभिन्न जो विधाएं हैं उनमें से एक छोटी सी, एक सहज सी विधा पर बात कर सकते हैं कि हम लोग ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन पे काम करेंगे और जब ऊर्जा को महसूस करेंगे आज्ञा चक्र पर तो आज्ञा चक्र के साथ गहरे ध्यान की अनुभूति हम कर पाएंगे। तो एक छोटा सा विजुअल हम देखते हैं, सांकेतिक रूप से अलग अलग चक्रों का स्वरूप जो कि महसूस किया जा सकता है या जिनका प्रभाव किर्लियॉन फोटोग्राफी, पिप फोटोग्राफी आदि जो साइंटिफिक विधाएं हैं उनसे भी देखा जा सकता है। यह अलग अलग लोकेशन है चक्रों के, उनके रंग है जो कि इंद्रधनुष की तरह ही सात रंग है, मूलाधार से लेके सहस्त्रार चक्र तक, और ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन की प्रक्रिया हमको ध्यान में लेकर जाती है चाहे हम जिस विधि से इसमें प्रवेश करें। यह अलग अलग स्वरूप चक्रों के हैं और जो सहस्त्रार चक्र
क्राउन चक्र जो सिर के ऊपर है वहां पर जब ऊर्जा का प्रवाह का पहुंचना होता है तो हम समाधि में गहरे ध्यान में प्रवेश करते हैं। हम अपने आप को महसूस कर सकते हैं इंद्रधनुष की तरह, जिसके सात रंग हमारा होना शरीर से हटकर सूक्ष्म तलों पर चला जाता है। सांके ये जो चक्रों की एहसास है, वैज्ञानिक रूप से इनको किर्लियॉन फोटोग्राफी कैमरे से कैप्चर भी किया जा सकता है और जिसको एनालाइज करके हर चक्र के साथ जो जुड़ी हुई अलग अलग विकृतियां है या कोई डिसीजेस है उनको भी मालूम किया जा सकता है, हील किया जा सकता है। तो ये जो लोकेशन है हमारी आज्ञा चक्र की, हम जब यहाँ पर ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन के साथ जब यहाँ ऊर्जा पहुँचती है आज्ञा चक्र और फिर सहस्रार चक्र पर, तो हम गहरे ध्यान में प्रवेश कर पाते हैं। मूलतः ध्यान के लिए जो बेसिक चीज़ें चाहिए, तीन चीज़ें चाहिए होगी। एक तो हमको रिलैक्स रहना है, दूसरा ध्यान में हमको होश को साधना है, चैतन्य को साधना है, प्लेफुलनेस के साथ, होश के साथ शरीर और मन के पार जाकर, विचारों के पार जाकर एक ऐसी अवस्था में पहुंचना है जहां पर हम सिर्फ वो होने के केंद्र बिंदु को छू पाए, अस्तित्वगत जो होना है उसको हम महसूस कर पाए, वो हमारी ध्यान की गहराई की अवस्था होगी। बहुत सारे बातें, बहुत सारे शब्दों के अपेक्षा हम इस विधि से एक और गहराई से एहसास करने की प्रक्रिया में चलते हैं, जहां हम चक्रों का एहसास करके, तत्वों का एहसास करके ध्यान की अनुभूति को पाएंगे। अमृता जी, मीना जी से निवेदन है कि मेरे साथ इस प्रयोग को। प्यारे मित्रों, तो हम चलते हैं इन तत्वों के एहसास की यात्रा में। ये जो हमारा पांच तत्वों से बना हुआ कमूरा है, ये शरीर, ये मंदिर है, और इस मंदिर के माध्यम से ही हम उस परमात्मा, उस निराकार तक की यात्रा कर सकते हैं। इस शरीर के तल से ही हम चेतना के तल तक पहुंच सकते हैं। ध्यान की जो ये यात्रा है बहुत ही खूबसूरत है। कहते हैं देवता भी मनुष्य योनि में आने के लिए तरसते हैं कि ध्यान और समाधि का अनुभव ले सकें, क्योंकि ये जो संभव है ये इसी मानव शरीर में संभव है। तो ये जो हमारे पांच तत्व हैं, सात चक्र हैं, चक्रों के बारे में किस किस ने और पहले से सभी ने सुना हुआ होगा, सभी ने सुना हुआ है, किस किस ने सुना है, और हरेक जो हमारे चक्र हैं, सात चक्र और तत्व, इनका कनेक्शन है। हम शुरू करें मूलाधार चक्र से, तो मूलाधार चक्र से कौन सा तत्व कनेक्टेड है, पृथ्वी तत्व कनेक्टेड है। स्वाधिष्ठान चक्र ऊपर आते हैं तो नाभि के नीचे, स्वाधिष्ठान चक्र से कौन सा तत्व कनेक्टेड है, जल तत्व। उसके बाद आता है मणिपुर चक्र, उससे है अग्नि कनेक्टेड। उसके बाद आता है अनाहत चक्र, हार्ट चक्र, जहां से कि वायु कनेक्टेड है, वायु तत्व है हमारा। और ऊपर आते हैं थ्रोट चक्र, विशुद्ध चक्र। तो यहां पर है आकाश की अनुभूति। और इसके ऊपर चलते हैं आज्ञा चक्र पे, तो यहां पर है गुरु तत्व, आत्मा की अनुभूति। और उसके ऊपर जब सहस्त्रार, जो सहस्त्र दल कमल खिलता है, तो है परमात्म तत्व की अनुभूति। तो आर वी रेडी टू टेक दिस एक्सपीरियंस, आर वी रेडी फॉर दिस वॉयेज टू एक्सपीरियंस ऑल द तत्व एंड टेक अ प्लंज इनटू द कॉस्मिक तत्व, परमात्म तत्व। आर वी रेडी फॉर द वॉयेज? तो ध्यान की अगर हम बात करें
तो ध्यान में गहरे गहरे जाने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो है एक प्लेफुलनेस चाहिए होती है. वी हैव टू हैव अ सिंसियर एटीट्यूड, नॉट अ सीरियस वन. कल ही यहाँ पर मैडम ने जो आयोजन किया था, आप में से कई सारे लोग होंगे यहाँ पर, स्वामी सुखबोधानंद जी आए थे और उन्होंने कहा था कि हास्य का बोध, हास्य रस और विस्मय का बोध जो है हमको आत्मा के तलों की उच्च यात्रा पे ले चलता है. तो जब हमें चेतना के उच्चतर तलों की यात्रा करना है तो वी हैव टू बी इन अ प्लेफुल मोड. सो इफ यू टॉक ऑफ द साइंस ऑफ मेडिटेशन, तो बेसिक एक जो रिक्वायरमेंट है उसकी है रिलैक्सेशन, दैट वी हैव टू बी रिलैक्स्ड, प्लेफुल, अ नॉन सीरियस टाइप ऑफ एटीट्यूड, प्लेफुलनेस, एंड देन ओनली विटनेसिंग इज पॉसिबल. तभी हम अपने भीतर की यात्रा पे जा सकते हैं. सो ध्यान हमको 200% लाइफ दे सकता है, बाहर की भी समृद्धि, बाहर से फुलफिलमेंट और भीतर से भी फुलफिलमेंट, अ डबल एरोड कॉन्शियसनेस. तो हम चलते हैं तत्व बोधिनी के अंतर्गत पांचों तत्वों को महसूस करने की एक छोटी सी यात्रा पे, और उससे जाएंगे उससे पार, तत्वों के पार की जो एक्चुअल है, जो एसेंस है, उसको शायद हम छू पाएं. वो छू पाना तभी संभव हो सकता है व्हेन वी पुट इन अवर 100%, जब हमारी तैयारी पूरी हो भीतर से उस यात्रा पे चलने की. शरीर का तल है और चेतना का तल है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन. तो तैयारी जब पूरी होगी तभी हम अपने सोर्स से चल के डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएंगे. तो चलते हैं एक झलक के लिए, प्लेफुलनेस के लिए. मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा अपने शरीर को रिलैक्स करें, हिलाएं डुलाएं. शरीर इतनी देर से बैठे हैं तो थोड़े से शरीर कुछ कह रहा होगा कि थोड़ा हिलो डुलो थोड़ा. तो हम उसको और रिलैक्स करने के लिए क्या करते हैं, टू ईज, हम जैसा आपका शरीर, एक मिनट का टाइम है सबको, अपने शरीर को थोड़ा हिला डुला के थोड़ा सा अपने आप को एकदम रिलैक्स कर लें, जैसा चाहें वैसा. और एक थोड़ी सी हंसी मुझे यहाँ चेहरों पे दिखाई दी, सो आई एम अट्रैक्टेड बाय दैट. तो ऐसे ही एक प्यारी सी छोटी सी हंसी, मुस्कान सी ला सकते हैं, दैट विल बी हेल्पफुल. हाथों की उंगलियों को मुट्ठी बांधे खोले, ऐसा 3-4-5 बार करेंगे. ऐसे ही पैरों की उंगलियों को सिकोड़ें थोड़ा, शूज़ के अंदर कर सकते हैं, या कोई चाहे तो शूज़ थोड़ी सी देर के लिए उतार के भी बैठ सकते हैं, जैसा कंफर्टेबल हो. द थिंग इज मेक योर सेल्फ वेरी मच कंफर्टेबल. जब तक हमारा ही शरीर कंफर्टेबल नहीं होगा तब तक हम कहाँ, कहीं नहीं, कुछ भी यात्रा नहीं कर पाएंगे, कहीं कुछ एहसास करना मुश्किल होगा. क्योंकि इसमें खूबसूरती ये है कि शरीर के माध्यम से, मन के माध्यम से मन के पार जाना है, शरीर के ही माध्यम से शरीर और मन के पार जाना है. तो इसको तो पहले राजी करना पड़ेगा, शरीर को भी और मन को भी. सो आई विश, आई वॉन्ट अ वेरी गुड राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर योर सेल्फ. तालियां आपके खुद के लिए, खूब जोर से, पूरे मन से तालियां. क्लैपिंग को एंजॉय करें, एंजॉय योरसेल्फ. और एक गहरी लंबी श्वास के साथ अपने स्वयं के साथ हो जाएं. गहरी लंबी श्वास लें भीतर और उस श्वास को धीरे धीरे छूटने दें. श्वास भीतर, खूब धीरे धीरे रोके, धीरे धीरे श्वास अपने आप छूट जाने दें.
बी वेरी मच कंफर्टेबल विद योर सेल्फ. खूब धन्यवाद से भरे हुए ये जो आयोजन हुआ है यहाँ तत्व बोधिनी का, उनके आयोजकों के प्रति धन्यवाद. आप जो यहाँ आए हैं एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ का जो खूबसूरत आयोजन है इसके प्रति धन्यवाद से भरे, एंड द मोस्ट अटमोस्ट अपने प्रति धन्यवाद कि आप यहाँ हैं. आपके स्वयं के प्रति धन्यवाद और प्रेम का भाव. प्यारा शरीर दिया है परमात्मा की असीम अनुकंपा से, ये शरीर मिला है. कोई पात्रता तो ना थी हमारी. दिस इज जस्ट अ गिफ्ट, दिस इज जस्ट अ प्रेजेंट फ्रॉम द सुपर कॉन्शियसनेस. Enjoy this gift. Enjoy this present given to you by the super supreme consciousness. Punaha, ye sharir, ye man, ye buddhi, ye vivek, ye hriday, ye sab humko mila hai apne mata pita se aur us parmatma shakti se. नमन भाव से भर जाएं अपने माता पिता के प्रति और उस एक असीम शक्ति के प्रति, और ये धन्यवाद, ये प्रेम का भाव अपने भीतर फैल जाने दें. गहरी लंबी श्वास. एंजॉइंग योर सेल्फ. अपने भीतर भीतर उतरते जाएं गहराइयों में. मूलाधार चक्र का ध्यान करें. अपनी चेतना भीतर ही भीतर बंद आंखों से मूलाधार चक्र पे ले जाएं. पृथ्वी तत्व का नियामक है. अपने मूलाधार चक्र पे घूमते हुए पृथ्वी को देखें बंद आंखों से. बंद आंखों से मूलाधार चक्र पे ग्लोब की कल्पना करें. ग्लोब विच इज रोटेटिंग एट इट्स एक्सिस. पूरी की पूरी पृथ्वी अपने मूलाधार चक्र पे घूमती हुई महसूस करें. और अपने भीतर पृथ्वी तत्व की प्रचुरता, पृथ्वी तत्व को सम होता हुआ, बैलेंस होता हुआ महसूस करें. रूट चक्र, मूलाधार चक्र और घूमती हुई पृथ्वी. और आपकी आती जाती सांसें, आपकी आती जाती सांसों के साथ
ये घूमती हुई पृथ्वी भी धड़कने लगी, स्पंदित होने लगी ये पृथ्वी भी। महसूस करें अपने भीतर घूमती हुई पृथ्वी के स्पंदन को, महसूस करें पृथ्वी मां की धड़कन को, महसूस करें और उस मां की धड़कन से अपने आप को एकात्म महसूस करें। मां की जड़ों से अपने आप को एक महसूस करें। मानो मां की गोद में बैठे हुआ। धड़कती हुई पृथ्वी आपका ध्यान पाकर ऊर्ध्वगामी होने लगी है। ऊर्ध्वगामी होकर अपना ध्यान ले जाएं स्वाधिष्ठान चक्र पे, आपकी नाभि के पास। नाभि के पास स्वाधिष्ठान चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र पे अथाह जल राशि है। सप्त सरोवरों का जल उसकी कल्पना करें वहां स्वाधिष्ठान चक्र पे। पवित्र नदियों का जल, गंगा मां का जल, यमुना मां का जल आपके स्वाधिष्ठान पे हिलोरे ले रहा है। महसूस करें इस जल तत्व को। ये जल तत्व आपकी सांसों के साथ धड़कने लगा, स्पंदित होने लगा और ऊर्ध्वगामी ऊर्जा के साथ पृथ्वी ऊर्ध्वगामी हो के जल में समाने लगी। पृथ्वी तत्व जल तत्व में समाने लगा। महसूस करें आती जाती सांसें जल में समाती हुई पृथ्वी। बेहद हौले से अपना ध्यान नाभि चक्र के ऊपर ले जाएं। मणिपुर चक्र तत्व है अग्नि, दश अग्नि का आह्वान करते हैं यहाँ पर। दसो अग्नियां मणिपुर चक्र पे प्रकट हो गई हैं। देखें बंद आंखों से, पृथ्वी समा गई जल में और हिलोरे लेता हुआ जल अग्नि में समाकर वाष्पीभूत होता जा रहा है। अग्नि प्रदीप्त होती जा रही है। महसूस करें मणिपुर चक्र अग्नि तत्व को
आती जाती आपकी सांसें। और ऊपर बढ़ती है ये ऊर्जा अपने हृदय की धड़कन को सुने आज, खूब प्रेम से सुने अपने हृदय की धड़कन को। इस हृदय में होते स्पंदनों को खूब प्रेम और अहोभाव से महसूस करें। तत्व है वायु, प्रदीप्त अग्नि वायु में परिवर्तित होकर समूचे अस्तित्व में फैल रही है। अपने आप को, अपने होने को पूरे अस्तित्व में फैलता हुआ महसूस करें। अरे आप ही की तो धड़कन, आपके भीतर जो धड़कता है चैतन्य, वही तो व्याप्त है समूचे अस्तित्व में। वायु के साथ अपने आप को विस्तार दें, अपनी धड़कन को वायु तत्व के साथ एक होने दें। देखते ही देखते ऊर्जा और ऊपर उठ चली, पहुंच गई है विशुद्ध चक्र पे, जहां आकाश ही आकाश है। वायु विलीन हो गई आकाश में, असीम आकाश। अनंत आकाश, आप ये आकाश ही हो गए। आपकी धड़कन आकाश की धड़कन हो गई। यू आर वेल कनेक्टेड विद द कॉन्शियसनेस नाउ। ऊर्ध्वगामी होती हुई चेतना चलती है आज्ञा चक्र पे, तत्वातीत होने की यात्रा पे चल दी है चेतना। आज्ञा चक्र पे ध्यान, जहां बोध मात्र रह गया, तत्व का बोध मात्र, और ऊपर चलते हैं। सहस्त्रार चक्र, पॉइंट ऑफ कनेक्शन विद द कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, उस परमात्म तत्व के साथ अपनी धड़कन का एकात्म महसूस करें। जस्ट वननेस एंड दैट इट इज। I am that I am. I am that I am. यही शून्य तो मेरा होना है, यही पूर्ण तो मेरा होना है। इस अद्वैत में डूबे
अद्वैत की अनुभूति परमात्म तत्व से आत्मा की अनुभूति, एकात्म होने की अनुभूति, गहरी लंबी श्वास, अपने आप को धन्य धन्य महसूस करें। आती जाती सांसों के साथ अपने शरीर के प्रति धन्यवाद, अपने मन के प्रति धन्यवाद, गहरी लंबी श्वास और धन्यवाद का भाव और ये छोटी सी अद्वैत की झलक लेकर वापस आए। आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खुल जाने दें, धन्यवाद से भरे हुए। आपकी इस अद्वैत की अनुभूति को हम प्रणाम करके अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। पावन परंपरा में शिव से निश्रित गंगा, अमृत रूपी गंगा सनातन परंपरा की एक शाधिका से अभी बस अंतिम क्षणों में हम सुनने वाले हैं। सार गर्भित शिव से आई अमृत रूपी गंगा को शब्द ब्रह्म के माध्यम से और सारभूत, इन सब का सारभूत माननीय हमारी प्रिय वाइस चांसलर प्रोफेसर शशि प्रभा कुमार जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि उस सनातन की निश्चित परंपरा को, सनातन से निश्चित परंपरा को अपने शब्दों में पिरोने की कृपा करें, हम सबको अनुग्रहित करें। आइए एक बार मिलकर गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अनुभूति के धरातल से आपको अभिव्यक्ति के धरातल पर ला रही हूँ, क्षमा चाहती हूँ। अधिक कुछ कहने को नहीं है, केवल अपने विश्वविद्यालय की ओर से और अपनी तरफ से आभार प्रकट करना चाहूँगी आदरणीय श्री ओम प्रकाश गनेरिया जी के प्रति, जिन्होंने बहुत ही सुंदर रीति से ध्यान की विधि का न केवल हमें व्याख्यान सार रूप में दिया अपितु उसकी अनुभूति भी कराई साधना के स्तर पर ले जाकर। और अग्रवाल दंपति ने, श्री चैतन्य अग्रवाल जी और श्रीमती मीना अग्रवाल जी ने किस प्रकार हमें ध्यान के माध्यम से चेतना के उदात्त धरातल तक पहुंचाया, उस धरातल पर जहां ध्यान ध्यान नहीं रहता अपितु ध्यान योग बन जाता है। ध्यान अष्टांग योग का सातवां अंग है जैसा आपने बताया,
और ध्यान के बाद बस समाधि ही बचती है। तो आज कुछ पलों में हमें ये अनुभूति हुई कि जब ध्यान हम साधारण जीवों के लिए इतना शांतिदायक है, तो जो ध्यान के सरोवर में गोते लगाते हैं, जो समाधि के तट पर रहते हैं, उन्हें कितना आनंद अनुभव होता होगा। भगवद गीता ने इसी योग को अपने 18 अध्यायों में संग्रहित किया है और निवेदन कर रही हूँ कि अब जाकर जब भी कभी अवसर मिले, भगवद गीता का 6 अध्याय ध्यान योग के नाम से ही जाना जाता है। आरंभ होता है विषाद योग से और आगे चलते चलते 18 अध्याय से बीच में 6 पहला खंड जहाँ समाप्त होता है, 6 अध्याय ध्यान योग है। जब गनेरिया जी वो नासाग्र दृष्टि और ब्रह्म मुद्रा का अनुभव करा रहे थे, उस समय गीता के जो श्लोक याद आ रहे थे वही आपसे साझा करना चाहूँगी। तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्म विशुद्धये। बिल्कुल नासाग्र दृष्टि है। और अधिक न कहते हुए अंत में जब आपने शरीर के भीतर 7 चक्रों की यात्रा कराई, तो अथर्ववेद का मंत्र ध्यान आया जहाँ कहा है, यहाँ आपने 7 चक्र की व्याख्या की। उन्होंने देह को, देह में ही कैसे हम दिव्यता की अनुभूति कर सकते हैं, ये देह ही पिंड है, इस पिंड में ही ब्रह्मांड के भी दर्शन हो सकते हैं। अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूर अयोध्या तस्याम हिरण्ययो कोशः स्वर्गो ज्योतिषावृतः। ये देह अयोध्यापुरी है, इसी में देवताओं का निवास है, जिसमें 8 चक्र हैं, 9 द्वार हैं, देवता इसमें निवास करते हैं और इसी के भीतर वो ज्योतिषमान दिव्य शक्ति निवास करती है, जिसे हम चैतन्य कहते हैं। तो अपने शरीर के भीतर दर्शन न करके, अंतर दर्शन न करके, हम पता नहीं कहाँ कहाँ भटकते रहते हैं और किस किस प्रकार की यात्राएं करते हैं। तो आज इस व्याख्यान के माध्यम से हम सबको ये अंतर्दृष्टि मिली है कि अपने भीतर झांकें तो शायद विशाल ब्रह्मांड की कुछ झलक हमें मिलेगी। आप सब दिव्यात्माएं जो हमारे साथ आज की संध्या में सम्मिलित हुए, आप सब के प्रति साधुवाद, अभिनंदन, इस प्रार्थना के साथ कि अगले 7 दिन तक हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहिए, अपने मित्रों, परिचितों, बंधुओं को लाते रहिए। पुनः पुनः धन्यवाद। और अपने सहयोगी डॉक्टर उपेंद्र बाबू के प्रति, जो हमारे यहाँ योग के प्राध्यापक नियुक्त हुए हैं, उनके प्रति भूरिशः आशीर्वाद और साधुवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ।